हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। माय नेम इज अवनीश कुमार। वेलकम टू यू ऑल टू ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में। यहाँ पे हम लोग जानेंगे घोस्ट पार्टिकल के बारे में और चाइना किस तरीके की यहाँ पे तैयारी कर रहा है, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस समय यहाँ पे अवेलेबल है, जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ लेट मी नो इफ द वॉइस क्वालिटी इज परफेक्टली फाइन। आप लोग जल्दी से बताइए कि आवाज यहाँ पे अच्छी आ रही है, सभी चीजें एकदम क्लियर हैं। तो आज के इस इंपोर्टेंट लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप के बारे में, जिसको ट्राइडेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में स्टूडेंट आज के इंपोर्टेंट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर। और यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि द वॉइस क्वालिटी इज परफेक्टली फाइन, कि आवाज आप लोगों को यहाँ पे अच्छी मिल रही है। तो जितने भी स्टूडेंट इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सेशन में बने हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर। तो स्टूडेंट आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा सेशन है, इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और इसका पहले तो आप लोग हमें आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग चलेंगे अपने सेशन में और देखेंगे वो कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये इशू जो पर्टिकुलर इशू है ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। तो यस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल टू द ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से बताइए स्टूडेंट इफ द वॉइस क्वालिटी इज परफेक्टली फाइन, कि आवाज आप लोगों को यहाँ पे अच्छी मिल रही है। ये क्वेश्चन लिखा है कि ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। तो क्वेश्चन हमारा हमसे कह रहा है कि ट्रॉपिकल, देखो ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप एंड विच वाज सीन इन न्यूज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, ये किस कंट्री से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जवाब हम आप लोगों को देंगे लेक्चर के अंत में। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सोच कर रखिएगा और इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और जिसका आंसर यहाँ पे सबसे सही होगा, एक्यूरेट होगा, उसको हम पिन कर देंगे, वो सबसे ऊपर दिखेगा। तो आप स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप एक्चुअली है क्या, इसको क्यों बनाया जा रहा है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सभी क्वेश्चंस के जवाब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या है कि ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, इस देखिए ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। तो क्वेश्चन में ये आ गया कि न्यूट्रिनो टेलीस्कोप चाइना टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे भारी अंडर वाटर न्यूट्रिनो डिटेक्टर को बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, और ये पानी के नीचे होगा, हम आपको बताना चाहेंगे, और सबसे बड़ा होगा इन साइज। तो इसमें क्या लिखा है, जो घोस्ट पार्टिकल, न्यूट्रिनो को यहाँ पे घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। इसको घोस्ट पार्टिकल इसलिए कहते हैं कि ये जो पार्टिकल है कहां से आया, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, इसमें मास होता है कि नहीं है, और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी अबंडेंट क्वांटिटी में हमारे प्लेनेट पे मिलता है। तो इसके बारे में ये एक्चुअली दिस इज डिफाइंग द मेनी लॉ ऑफ द फिजिक्स, बहुत से फिजिक्स के जो लॉ है उनको ये गलत, रॉन्ग साबित करता है, इसीलिए स्टूडेंट इसका नाम है घोस्ट पार्टिकल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है, अगर हमने इसको अच्छे से मास्टर कर लिया, इसको अच्छे से स्टडी कर लिया, वी विल नो कि हाउ अवर यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारा यूनिवर्स कैसे बना, हमारा प्लेनेट कैसे बना। तो बहुत सी ऐसी रहस्यमय जो गुत्थियां हैं लाइफ की, उनको हम समझा पाएंगे अगर इस पर्टिकुलर पार्टिकल को हम समझ पाए, इसीलिए स्टूडेंट इसका नाम है घोस्ट पार्टिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को और अच्छे समझते हैं। चाइना इज बिल्डिंग एन इनॉर्मस टेलीस्कोप। तो चाइना यहाँ पे टेलीस्कोप बना रहा है, टेलीस्कोप का मतलब है दूरदर्शी, तो यहाँ पे एक दूरदर्शी बना रहा है इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये दुनिया के सबसे बड़ी यहाँ पे टेलीस्कोप बना रहे हैं। तो ये बात स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग समझते चलिए, और यहाँ पे आपके कमेंट हमको प्रॉपर दिखाई दे इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो याद रखिएगा पैसिफिक ओशन एंड इट इज लिखा, इट्स जॉब विल बी डिटेक्ट द घोस्ट पार्टिकल आल्सो नोन एज न्यूट्रिनोस। तो इस न्यूट्रिनो यानी घोस्ट पार्टिकल को ढूंढना, सर्च करना, इसको डिटेक्ट करना, इसको समझना, इसको स्टडी करना, ये पर्टिकुलर इसका उद्देश्य होगा। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैसिफिक ओशन में साउथ चाइना सी में यहाँ पे चाइना के द्वारा एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप को लगाया जा रहा है अंडर वाटर पानी के नीचे, जिससे कि जो न्यूट्रिनो है, जिसको घोस्ट पार्टिकल के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको डिटेक्ट किया जा सके, इसको स्टडी किया जा सके, इसको और अच्छे से समझा जा सके। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना। आगे चलते स्टूडेंट हम लोग,
आगे चलते हैं अपने सेशन में। यहाँ पे हम आपको लोकेशन दिखाएंगे जहां पे ये पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेटरी है, टेलीस्कोप है, चाइना के द्वारा इसको सेटअप किया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, ये चाइना है और यहीं पे ये हांगकांग है। देखिए ये चाइना है, ये हांगकांग है, ये ताइवान है, आइलैंड कंट्री, और यहीं पे हाइनान प्रोविंस है चाइना का। और फिर स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे ये लोकेशन देख रहे हैं साउथ चाइना सी की। यस, इस वाटर बॉडी को हम लोग कहते हैं साउथ चाइना सी है। जितना भी आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है, ये पूरा साउथ चाइना सी है। इस साउथ चाइना सी में चाइना ने लाइन डाल के रखी है, आर्टिफिशियल लाइन, एक काल्पनिक रेखा यहाँ पे डाल के रखी है और इसका नाम इन्होंने दिया है नाइन डैश लाइन। अब तो ये कह रहे हैं कि ये नाइन डैश लाइन नहीं है, अब ये टेन डैश लाइन है। और इस नाइन डैश लाइन के अंदर जो भी आता है दैट बिलोंग टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट, यहीं पे वो जो है ये पर्टिकुलर ट्राइडेंट नाम की टेलीस्कोप इसको लगाया जा रहा है। याद रखिएगा ये ट्राइडेंट नाम की जो टेलीस्कोप है वो समवेयर एट दिस लोकेशन, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको लगाया जा रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे। और यहीं पे देख लीजिए इस पार्टले आइलैंड है, यहीं पे पार्सल आइलैंड है, स्कारबोरो सोल है, तो इसको भी यहाँ पे देखते चलिए। ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे आपको बताएंगे कि साउथ चाइना सी है, यहाँ पे इसको लगाया जा रहा है। आगे चलेंगे हम लोग, देखिए क्या लिखा, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इसका ये वैल्यू है। लिखा है द ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप इज अ न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी होगी दैट विल बी एंकर्ड टू द सी बेड ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है उसकी तलहटी में इसको लगाया जाएगा और ये न्यूट्रिनो की स्टडी करेगी, यानी घोस्ट पार्टिकल की स्टडी करेगी कि ये जो पार्टिकल है, ये ट्रिलियंस ऑफ जो न्यूट्रिनो है हमारे बॉडी से एवरी सेकेंड पास हो रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे जो न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के बारे में हमने स्पेशल यहाँ पे कंटेंट लगाया है जिसको आगे हम लोग देखेंगे। न्यूट्रिनो जो कि बहुत ही टाइनी एलिमेंट्स हैं, बहुत ही छोटे बारीक कण हैं, जिनको हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। और अभी तक स्टूडेंट ऐसा माना जाता था कि सबसे छोटा कोई मॉलिक्यूल है तो एटम है, फिर बाद में हमको सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता लगा, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे अब यही इसी तरीके का ये सब एटॉमिक एलिमेंट है, ये तत्व है जिसका नाम है स्टूडेंट न्यूट्रिनो, इसी को घोस्ट पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, इसको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। ये घोस्ट पार्टिकल, ट्रिलियंस ऑफ घोस्ट पार्टिकल एवरी सेकेंड हमारे बॉडी से निकलते हैं और ये रिएक्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि दे आर नॉट रिएक्टिंग एट ऑल, ये किसी भी समय रिएक्ट नहीं करते हैं। और अभी तक ये माना जाता था कि इनके पास मास भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मास होता है। और पानी से जब ये गुजरते हैं तो थोड़ा इनमें रिएक्शन होता है, उसी को डिटेक्ट करने के लिए चाइना ने ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है डिस्कवर द मल्टीपल हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो सोर्सेस, आगे लिखा है बूस्ट द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्मिक न्यूट्रिनो इवेंट ऑफ द ऑल फ्लेवर्स, फिर लिखा है स्केल फॉर द रेयर फ्लैशेस ऑफ द लाइट मेड बाय द इल्यूशिव पार्टिकल्स। ये जो इल्यूशिव पार्टिकल है, जो न्यूट्रिनो है, जब ये पास होते पानी के थ्रू तो आपको बताएंगे ये एक्चुअली बहुत ही हल्की सी फ्लैश ऑफ लाइट उसको डिटेक्ट करते हैं और इनको म्यूआन बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको म्यूआन बोला जाता है। स्केल फॉर फ्लैशेस ऑफ लाइट मेड बाय द इल्यूशिव पार्टिकल टेस्ट स्पेस टाइम्स सिमेट्रीज, फिर लिखा है सर्च फॉर क्वांटम ग्रेविटी, फिर लिखा है डायरेक्टली सर्च फॉर डार्क मैटर। इस तरीके से जो डार्क मैटर है उसके बारे में हमारा जानकारी आगे बढ़ेगी, हमारे और जानकारी जो है हमको मिलेगी। आगे चलते देखते हैं इसके बारे में। इस तरीके से स्टूडेंट पानी के नीचे पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी लगाई जा रही है जिससे कि ये जो घोस्ट पार्टिकल है, ये जो न्यूट्रिनो है, इनको और अच्छे से समझा जा सके। और इसका साइज बहुत बड़ा होगा, 4 किलोमीटर में ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी लगाई जाएगी और बहुत ही गहराई में इसको लगाया जा रहा है। ये सभी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो क्या है, ट्राइडेंट इज अ निक नेम्ड हाइलिंग। ये जो ट्राइडेंट है ये एक्चुअली निक नेम है हाइलिंग का, और हाइलिंग एक चाइनीज वर्ड है विच मीन्स द ओशन बेल। मतलब ट्राइडेंट को चाइनीज में कहते हैं ओशन बेल, ये बात याद रखें। लिखा इट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर टेलीस्कोप, दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर टेलीस्कोप होगी जो कि चाइना सेट कर रहा है इन पैसिफिक ओशन। मैंने आपको इसकी लोकेशन भी बताई है, साउथ चाइना सी। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्पेनिंग 2.5 माइल्स, मतलब ये 2.5 माइल्स में होगी, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एक बड़े क्षेत्र में होगी, 4 किलोमीटर जैसे एक बड़े क्षेत्र में इसका जो है विस्थापन होगा, इसका विस्तार होगा। इन डायामीटर
एंड स्कैनिंग 1.7 क्यूबिक माइल्स यानी 7.5 क्यूबिक किलोमीटर लिखा। इट विल बी द कंप्लीटेड इट 2030 मतलब 2030 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी एक जायंट टेलीस्कोप ऑफ द चाइना अंडर वॉटर इन पैसिफिक ओशन स्पेशली इन साउथ चाइना सी। आगे चलते स्टूडेंट, इस तरीके से इसके बनाने का जो कार्य है वो चाइना के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है और ये 2030 तक बनके तैयार हो जाएगी। इससे चाइना ये न्यूट्रिनो जो घोस्ट पार्टिकल है इसको अच्छे से स्टडी कर पाएगा और बहुत सी मिस्ट्रीज है अबाउट द लाइफ हाउ अवर यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारा यूनिवर्स कैसे बना, ये प्लैनेट्स कैसे बने, ये स्टार कैसे बने, ये मिस्ट्री यहाँ पे सुलझ सकती है अगर न्यूट्रिनो को यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर लिया गया, इसीलिए इसको घोस्ट पार्टिकल कहते हैं। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, ये न्यूट्रिनो बहुत हाई स्पीड से मतलब लाइट की स्पीड से भी कहीं तेजी से ये गमन करते हैं, गति करते हैं, अगर इनको मास्टर कर लिया गया तो डेटा और कम्युनिकेशन जो है उसको बहुत अच्छे से ट्रांसफर किया जा सकेगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को और अच्छा रोबस्ट किया जा सकेगा, डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम जल्दी से भेज पाएंगे। आगे चलते स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा, न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो क्या है इसके बारे में स्टूडेंट हमने डेडिकेटेड एक अलग से यहाँ पे कुछ नॉलेज कुछ जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दी है। लिखा है न्यूट्रिनोज आर द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया दे आर द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन अवर यूनिवर्स, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पार्टिकल्स है। लिखा है दैट हैव द मास इन द यूनिवर्स, अभी तक ये मानते थे कि इनके पास कोई मास नहीं होता, नाउ द मॉडर्न थियरी इज अवर नॉलेज हैज एनहांस्ड, नाउ वी आर इन पोजीशन एंड वी आर नो कि इनके पास मास भी होता है। आगे लिखा दे आर द टाइनी, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे न्यूट्रल होते हैं। एंड लिखा है बेस्ट सो लिटिल दैट नो वन हैज बीन एबल टू मेजर देयर मास, और इनका वेट बहुत ही कम होता है, किसी ने अभी तक इनका मास मेजर नहीं कर पाया है, इसका मास किसी को पता नहीं है और अभी तक ये धारणा थी कि इनके पास मास होता ही नहीं है, लेकिन मास होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। आगे क्या लिखा है, न्यूट्रिनोज ओनली वीकली इंटरेक्ट विद द अदर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही वीकली इंटरेक्ट करते हैं, है ना, वीकली इंटरेक्ट, सो द न्यूट्रिनो डिटेक्टर मस्ट बी वेरी लार्ज, ये न्यूट्रिनो डिटेक्टर बहुत ही बड़ा होना चाहिए, मतलब इन न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है वो बहुत भारी होना चाहिए। क्या लिखा है, डिटेक्ट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यूट्रिनोस, जिससे कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यूट्रिनो को हम स्टडी कर पाए, इसीलिए 4 किलोमीटर लंबी टेलीस्कोप लगाई जा रही है चाइना के द्वारा अंडर वॉटर, और इसका जो चौड़ाई है वो भी काफी इंप्रेसिव और ज्यादा होगी। आगे क्या लिखा है, एम्स टू कैप्चर द इल्यूसिव न्यूट्रिनोस एज दे ब्रीफली बिकम डिटेक्टेबल इन द डीप ओशन डेप्थ। तो स्टूडेंट यहां पे याद रखिएगा, यहां पे जो उद्देश्य है वो ये है कि न्यूट्रिनो को अच्छे से स्टडी किया जा सके, इनको मास्टर किया जा सके, इन पे और ज्यादा रिसर्च हो। हाँ, न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व किया जा सकता है अंडर वाटर, पानी के नीचे ही इनको थोड़ा ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसीलिए इसको पानी के नीचे लगाया जा रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से टेलीस्कोप अंडर वाटर टेलीस्कोप इसको सेटअप किया जाएगा पानी के नीचे, क्योंकि पानी के नीचे जब ये न्यूट्रिनो जाते हैं तब ये म्यूऑन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और थोड़ी सी फ्लेस जनरेट होती है, उस फ्लेट को स्टडी किया जा सकता है, उस फ्लेस को पढ़ा जा सकता है और फाइनली कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता है। देखिए स्टूडेंट क्या है, इस तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि ये टेलीस्कोप लगाई जा रही है पानी के नीचे, जैसा कि इसका विस्तार मैंने आपको बताया 4 किलोमीटर में होगा। आगे देखिए इस तरीके से स्टूडेंट ये पानी के नीचे एक जाल बिछा दिया जाएगा इस टेलीस्कोप का, और इस टेलीस्कोप के माध्यम से ये जो घोस्ट पार्टिकल है न्यूट्रिनो है इसको स्टडी किया जाएगा। आगे चलते हैं, और आपके लिए अच्छी जानकारी है यहाँ पे, देखिए लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट थॉट एटम्स वर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एग्जिस्टेंस, लंबे समय तक हमारा जो विचार था साइंटिफिक कम्युनिटी ये सोचती थी कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल है, लेकिन फिर डाउन द लाइन स्टूडेंट ये विचारधारा बदली। क्या लिखा है, बिफोर डिस्कवरिंग दैट दे आर देमसेल्फ कंप्राइज इवन टाइनर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं सभी जानते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया जिसपे स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, और यहीं पे न्यूट्रॉन हो गया जो कि न्यूट्रल मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिनोज आर द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन बट लाइक न्यूट्रॉन दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन का टाइप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की तरह है
लेकिन आपको बता दें इनपे कोई चार्ज नहीं होता है, डू नॉट हैव एनी चार्ज, ये पॉइंट याद रखिएगा, इन पे कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं होता। आगे लिखा है दे आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स, सबसे ज्यादा बहुतायत में पाए जाने वाले पार्टिकल हैं इन आर यूनिवर्स। मैंने आपको बताया कि एवरी सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रोनोज पासिंग थ्रू अवर बॉडी, ये न्यूट्रोनो हमारी बॉडी से पास करते हैं लेकिन हमको बिल्कुल तनिक भी इनका आभास नहीं होता है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, अमूमन ये रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में जैसे पानी के नीचे जब ये जाते हैं तो थोड़ा हल्का सा ये रिएक्ट करते हैं, इसी के दम पे म्यूऑन बनता है और म्यूऑन को हम स्टडी यहां पे कर सकते हैं। आगे क्या लिखा, विद ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज, लिखा है विद ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज लिखा है पासिंग, ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पासिंग थ्रू, लिखा है थ्रू यू एट एनी गिवन सेकेंड एंड ऑल्सो अमंग द टाइनियस्ट। तो ट्रिलियंस आप इस तरीके की ये न्यूट्रोनो हमारे बॉडी से निकलते हैं लेकिन हमको आभास नहीं होता। न्यूट्रोनोज वर द लॉन्ग बिलीव टू बी मासलेस, पहले हमारा ये विश्वास था स्टूडेंट, हम लोग ये समझते थे कि ये मासलेस है, मतलब इनमें मास वगैरह नहीं होता है, अंटिल साइंटिस्ट एविडेंस दैट दे डू हैव अ वेरी स्मॉल मास। लेकिन बाद में जो धारणा है वो बदली और हमारा नॉलेज बढ़ा और हम लोगों ने ये समझा कि यस इनमें मास होता है, ये मासलेस नहीं है, मास होता है। आगे लिखा है हाउ डू द साइंटिस्ट डिटेक्ट देम, तो साइंटिस्ट इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, साइंटिस्ट इनके बारे में कैसे जानते हैं। क्या लिखा है, घोस्ट पार्टिकल रियली इंटरेक्ट विद अदर पार्टिकल्स, ये घोस्ट पार्टिकल जो है ये बहुत ही रियली किसी दूसरे पार्टिकल से यहां पे रिएक्ट करते हैं। आगे लिखा है बट रियली डजंट मीन नेवर, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करते हैं ये। आगे लिखा सम टाइम दे इंटरेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, कभी कभी ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, इसीलिए जो टेलीस्कोप है चाइना का इसको पानी के नीचे लगाया जा रहा है। आगे क्या लिखा, विच इज वाई द चाइना इज बिल्डिंग इट्स घोस्ट मॉलिक्यूल टेलीस्कोप अंडर वाटर, यही कारण है कि चाइना ये अपना घोस्ट मॉलिक्यूल डिटेक्टर जो टेलीस्कोप है इसको पानी के नीचे लगा रहा है। आगे लिखा साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व द घोस्ट पार्टिकल इन फ्लीटिंग इंस्टांसेस व्हेन द पार्टिकल्स क्रिएट अ बाय प्रोडक्ट आफ्टर द ट्रेवलिंग थ्रू अ वाटर और आइस, जब पानी से ये पर्टिकुलर न्यूट्रिनो गुजरता है, ये न्यूट्रिनो गुजरते हैं या आइस यानी बर्फ के माध्यम से भी गुजरते हैं, तब स्टूडेंट इनमें थोड़ा सा चेंज आता है, उस मामूली चेंज को हम यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या लिखा है, एंड दीज म्यूऑन, इसको म्यूऑन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, म्यूऑन्स क्या है पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसी को हम लोग कहते हैं म्यूऑन्स, जब ये पानी से गुजरते हैं तो थोड़ा चेंज आता है, इसको म्यूऑन बोला जाता है, न्यूट्रिनो को म्यूऑन बोलते हैं। आगे क्या लिखा, क्रिएट फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ सोफिस्टिकेटेड अंडर वाटर टेलीस्कोप, जो सोफिस्टिकेटेड अंडर वाटर टेलीस्कोप है उसके द्वारा इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड ऑफर वन ऑफ द फ्यू वेज टू स्टडी द एनर्जी एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिनोज, और ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिनो को समझ सकते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिनो को समझ सकते हैं, अपनी जो समझ है उसको बढ़ा सकते हैं, यही वो तरीका है। आगे देखिए स्टूडेंट क्या है, लिखा है राइट नाउ द लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप, आप हमसे पूछेंगे कि चाइना इस तरीके का काम कर रहा है, क्या इस तरीके का कोई भी इनिशिएटिव पहले लिया गया है, क्या इसी तरीके की कोई भी पहल इसके पहले भी की गई है क्या, हाँ इसके पहले भी बेटा इस तरीके की यहाँ पे कार्रवाई करी गई है, इस तरीके की स्टडी करने की कोशिश करी गई है, ये कहाँ की गई है देखते हैं। राइट नाउ द लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप इज द यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसन विस्कॉन्सिन आइस क्यूब टेलीस्कोप, तो आइस क्यूब टेलीस्कोप इस समय दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है जिसके थ्रू इन न्यूट्रिनो को स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। आगे क्या लिखा है, लिखा सिचुएटेड डीप इनटू द एंटार्क्टिक, ये एंटार्क्टिक में आर्कटिक और एंटार्क्टिक दो रीजन है जो हमारे पृथ्वी के पोलर रीजन है, नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल, तो एंटार्क्टिक में इसको यहाँ पे लगाया गया है। टेलीस्कोप लिखा है सेंसर स्पेन अराउंड 1 क्यूबिक किलोमीटर, यहाँ पे जो टेलीस्कोप के सेंसर है 1 क्यूबिक किलोमीटर इतने बड़े हैं। चाइना सेज द न्यू टेलीस्कोप कॉल्ड द ट्राइडेंट विल स्पेन 7.5 क्यूबिक किलोमीटर, यहाँ पे कितना है 1 क्यूबिक किलोमीटर, जो इस समय है, इस समय जो प्रेजेंट में टेलीस्कोप है स्टूडेंट जिसका नाम है आइस क्यूब, यहाँ पे जो इसका जो सेंसर है इसकी जो स्पेन मतलब इसका जो विस्तार है वो कितना है 1 क्यूबिक किलोमीटर, लेकिन जो चाइना बना रहा है इसका कितना होगा 7.5 क्यूबिक किलोमीटर इन साउथ चाइना सी, तो आप देख सकते हैं लगभग 7 times बड़ा है। आगे क्या लिखा है, लिखा साइंटिस्ट है दैट द साइज विल अलाउ इट
टू डिटेक्ट द मोर न्यूट्रिनोज, इसका जो बड़ा साइज है इसकी वजह से ज्यादा न्यूट्रिनो यहाँ पे चाइना स्टडी कर पाएगा एंड मेक इट 10,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन एग्जिस्टिंग अंडर वाटर टेलीस्कोप। मतलब यहाँ पे 10 टाइम्स मोर सेंसिटिव होगा और चाइना इसको अच्छे से स्टडी कर पाएगा। तो बड़ा साइज जो है इस टेलीस्कोप का, ये कहीं ना कहीं एक एज देगा ओवर एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी बिगन एंड दैट इज स्लेटेड टू फिनिश विद इन दिस डिकेड साइंटिस्ट सेज। मतलब 2030 तक ये टेलीस्कोप चाइना का बन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है, बट वाई डस इट मैटर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, वाई डज इट मैटर, क्या लिखा है, द साइंटिस्ट डोंट रियली नो वाई द मैसिवली अबंडेंट न्यूट्रिनोज एक्ट द वे दे डू। ये इस तरीके से क्यों एक्ट करते हैं, इनमें मास क्यों नहीं, मास इतना कम क्यों है, ये रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं। ये बहुत से ऐसे फिजिक्स के लॉ है जिनको डिफाई करता है। क्या लिखा है, दे डिफाई द एस्टेब्लिश रूल ऑफ द फिजिक्स एंड इट्स नॉट क्लियर वेयर द पार्टिकल कम फ्रॉम, ये पार्टिकल आते कहां से है, एक्चुअली इनका सोर्स क्या है, ये इसीलिए इसको नाम दिया गया है घोस्ट पार्टिकल। आगे क्या लिखा है, साइंटिस्ट थिंक दे माइट हैव प्लेड अ रोल इन द अर्ली यूनिवर्स राइट आफ्टर द बिग बैंग। मतलब जो यूनिवर्स हमारा बना इनके क्रिएशन में और इसके निर्माण में इनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आगे क्या लिखा है स्टूडेंट, इस तरीके से यहां पे लिखा है कि मिस्टीरियस कॉस्मिक रेज एंड विच आर द नोन टू द कंटेन न्यूट्रिनोज। तो लिखा लाइक द ओरिजिन, यहां लिखा इट थॉट दैट द साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिनो विल हेल्प, अगर हम लोग यहां पे न्यूट्रिनो को पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं विल हेल्प। लिखा है द नंबर ऑफ साइंटिफिक मिस्ट्रीज लाइक द ओरिजिन ऑफ द मिस्टीरियस कॉस्मिक रेज एंड विच आर द नोन टू बी कंटेन न्यूट्रिनोज। तो जो कॉस्मिक रेज है उनको हम लोग समझ पाएंगे, अपना ओरिजिन समझ पाएंगे यूनिवर्स का। लिखा है द रिसर्चर्स बिलीव दैट द अंडरस्टैंडिंग सोर्सेस ऑफ द न्यूट्रिनोज विल इनेबल देम टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक रे एंड समथिंग साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू डू फॉर अ सेंचुरीज। कॉस्मिक रेज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सेंचुरीज मतलब यहाँ पे दशकों से हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्मिक रेज को हम लोग समझ पाए। लेकिन अगर न्यूट्रिनो को हमने स्टडी कर लिया तो हमको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब कॉस्मिक रेज को भी हम लोग विस्तार से समझ पाएंगे। आगे क्या लिखा है, देयर्स एविडेंस दैट द न्यूट्रिनोज आर द एसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल ये बहुत एसेंशियल है कि न्यूट्रिनो को हम समझें, स्टडी करें, तभी जाके हम यहाँ पे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इसको समझ पाएंगे। आगे लिखा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइडेंट इज सेट टू ब्रिंग अस वन स्टेप क्लोजर टू द नॉलेज। और इस तरीके से जो ट्राइडेंट बनाए गए हैं यहाँ पे चाइना के द्वारा, ये हमको एक स्टेप क्लोजर ले जाता है और ज्यादा हमको क्लोज करता है कि एक्चुअली हाउ न्यूट्रिनोज आर बिहेविंग, ये न्यूट्रिनो कैसे बिहेव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आगे देखिए स्टूडेंट क्या है, इस तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पे देख लिया है। तो फिर से हम आपके वही उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने आपसे शुरुआत में पूछा था कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब अब तो आपको पता ही है कि कौन बना रहा है, ये ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप यानी ट्राइडेंट, तो इसको चाइना बना रहा है। तो सही जवाब हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। कितने लोगों ने सही जवाब दिया, जितने लोगों ने सही जवाब दिया है सभी लोग यहाँ पे हमको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा यस सर आई अटेम्प्टेड करेक्टली, और जिसका भी सही जवाब होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। तो सभी लोग इसका जवाब लिखिएगा। देखिए स्टूडेंट आगे क्या है, तो इसका यहाँ जवाब लिखा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको यहाँ पे देखा, यहाँ पे हम इंडियन अगर ऑब्जर्वेटरी की अगर स्टूडेंट थोड़ी बात करें कि इंडिया ने इस फ्रंट पे कितना डेवलपमेंट किया है, मतलब न्यूट्रिनो को स्टडी करने के लिए जब न्यूट्रिनो इतने इंपॉर्टेंट है, इतने महत्वपूर्ण है, तो इंडिया ने यहाँ पे कोई इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है क्या, आप पूछेंगे हमसे। यस, हमारे इंडिया ने भी इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लिया है और हम भी स्टूडेंट ऑब्जर्वेटरी सेट कर रहे हैं जिससे न्यूट्रिनो को स्टडी किया जा सके। देखो क्या है, इंडिया बेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज अ लिखा पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट दैट स्टडीज द न्यूट्रिनो इन लिखा है 1200 मीटर लिखा है 3900 फीट डीप केव। तो एक केव के अंदर हमने इसको बनाया है। लिखा है इंडिया बेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन पोदी बेस्ट हिल रीजन ऑफ द थानी डिस्ट्रिक्ट अबाउट 110 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द
मदुराई इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हमने ऑब्जर्वेटरी लगाई है न्यूट्रिनो को स्टडी करने के लिए, याद रखिएगा। आगे क्या है, जो इंडिया बेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, मेन गोल इसके क्या है, स्टडी द एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज। एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आगे स्टूडेंट लिखा है ऑब्जर्व द स्काई थ्रू द न्यूट्रिनोज, हम लोग यहाँ पे स्काई को न्यूट्रिनो के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे। स्टडी द फंडामेंटल पार्टिकल कॉल न्यूट्रिनोज, यहाँ पे न्यूट्रिनो को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, देखेंगे। आगे क्या लिखा है, इंडिया बेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज प्रपोज टू बी सेट अप पुट्टीपुरम विलेज इन थानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। प्रोजेक्ट हैज बीन नेम्ड पुट्टीपुरम रिसर्च सेंटर ऑफ द इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इस तरीके से स्टूडेंट देखा कि हमारी इंडियन जो ऑब्जर्वेटरी है टू स्टडी द न्यूट्रिनो, ये कहां है, ये तमिलनाडु स्टेट में है, थेनी डिस्ट्रिक्ट में। तो लेक्चर अच्छा लगा हो स्टूडेंट लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन अस। तो दैट इज फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। टीम ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर की तरफ से मैं अपने इस बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।